हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। वी आर स्टडिंग फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो लास्ट तक तो हम लोग पहुंच गए थे, बहुत सारे एनालिसिस करते करते एरर पे बात किया, सिस्टमैटिक रैंडम एरर को भी कंक्लूड किया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज एरर इन सम एंड डिफरेंस। सम का मतलब पता है सबको, प्लस होता है। डिफरेंस का मतलब पता है, माइनस होता है। तो अब मैं जो सिखा रहा हूँ सम एंड डिफरेंस में, तो आप लोग जब भी प्रैक्टिकल्स करते हो, जब भी प्रैक्टिकल करोगे, ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिकल्स के नॉलेज के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, क्लियर। पर ये सब के बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आईआईटी और नीट के लिए, इसमें से बहुत सारा कंटेंट उसमें आता भी है और आते ही रहता है। तो एरर को सीखना तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो अब मैं सम एंड डिफरेंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सम एंड डिफरेंस। मतलब क्या, दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है, किसके रिलेशन में। सबसे पहले ए का वैल्यू मैं बता देता हूँ। ए को कैसे लिखेंगे हम लोग, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा, पहले से सीख रहे हैं। बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर वाले सिस्टम में भी देखो, सिंपल सी बात है, ए क्या है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट। मैं बताऊंगा आप लोगों को लिस्ट काउंट के बारे में भी, बाद में इसके बारे में बात होगी। तो हम लोग बस क्या है, सम एंड डिफरेंस पे बात कर रहे हैं, क्लियर। तो सम की अगर बात करूंगा तो हम लोग को दो चीज चाहिए, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड व्हाट, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये सम के लिए हुआ, ऊपर वाली चीज जो है वो किसके लिए, दिस इज फॉर सम, दिस इज फॉर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस, सम का मतलब प्लस। इन दोनों के रिलेशन को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट जेड, जैसे अगर ए का वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, यही होगा इसका एक्चुअल वैल्यू, यही होने वाला। तो जितना आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं किसके लिए फाइंड करने के लिए, सम के लिए। किसके लिए फाइंड कर रहा हूं, सम के लिए। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी, z इज वॉट, a प्लस बी, सी द वैल्यू फॉर z, यही है ए का वैल्यू प्लस बी के, ऑब्वियसली इधर तक कोई इशू, नो सब तो सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। अब ध्यान दो, जेड का वैल्यू क्या था एग्जैक्टली, जो हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या था, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, समझ रहे, जेड का वैल्यू ये, इसी को रिलेट में लेके बात कर रहे हैं ना, क्लियर। आगे देखो, ए प्लस बी कॉमन निकल सकता है यहां पे, ए प्लस बी कॉमन निकल गया, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यही चीज कॉमन मिल। सो हियर वी गो, हमारे पास ये वैल्यूज तो हमारा आ गया है। अब देखो, यू कैन सी प्रॉपरली कि ये जो आपका ए प्लस बी, ये जो एक है आपका ए प्लस बी, ये दोनों कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहां पर है। तो क्या मिला एग्जैक्टली आंसर हम लोग को, प्लस माइनस डेल्टा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे ये वाला एडिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाते हैं, आ जाओ यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। ये किसके लिए कंप्लीट किया, वी कंप्लीटेड दिस फॉर सम, लेट अस कंप्लीट फॉर डिफरेंस नाउ। सो एज यू कैन सी, डिफरेंस के लिए हम लोग बात करते हैं तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी लेके चलते, क्या लेके चलते, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलो सपोज जेड इज इक्वल टू क्या हुआ, ए माइनस बी, क्लियर। अब जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी लेके चलते हैं, उसके बाद जेड इज वॉट, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यही चीज है यहाँ पे, कोई डाउट है, नोप यहाँ तक तो कोई भी नहीं है। जेड का वैल्यू ए माइनस बी में आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी लिख दिया, इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉमन निकल सकता है, ऑब्वियसली निकल सकता है, सॉरी ए माइनस बी यहाँ पे निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, वंस अगेन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया पूरा, क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छे से दोनों इक्वेशंस को देख लो,
यू कैन सी बोथ द इक्वेशंस, वहां पे आया हुआ इक्वेशन और यहाँ पे आया हुआ इक्वेशन, यू गेट द सेम वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. क्लियर? अब सब एरर्स के लिए, फॉर बोथ द एरर, जो सम और डिफरेंस में एरर्स निकाला था तो उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो रहेगा वो अगर साइन कन्वर्जेंस इधर से हटाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, द एब्सोल्यूट एरर जो मैक्सिमम होगा वो ऑलवेज प्लस में ही मिलेगा. देखो पहली बात तो दोनों के आंसर्स देखो, यू कैन सी दिस पार्ट एज वेल दिस पार्ट, ओके दे आर द सेम. एक्चुअल में आंसर निकलेगा तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके ये सब के बारे में देखो, ये सब का यूज कैसे होता है, सिंपल है. देखो जो भी हमारे प्रैक्टिकल किया उसका ट्रू वैल्यू रहेगा, ओके ट्रू वैल्यू तो रहेगा कुछ ना कुछ. अब उसमें से कैसे आता है वो मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, जो भी वैल्यू मैंने मेजर किया तो उसमें से मैं लीस्ट काउंट को प्लस या माइनस कर दूंगा तो मेरे को ट्रू वैल्यू मिल जाएगा. अगर एक रीडिंग लिया ए वन, दूसरी रीडिंग ए टू ए थ्री, या फिर रीडिंग को आर वन बोलो आर टू बोलो आर थ्री बोलो, ओके तो ये आपका मेजर्ड वैल्यू था, उसमें से उसका लीस्ट काउंट जो भी लीस्ट काउंट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी नॉर्मल स्केल है, ये जो नॉर्मल स्केल है ये कितना एरर काउंट करती है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर लेके चलती है. सिंपल सी बात है, ये जो हम लोग नॉर्मल स्केल मापते हैं तो वो 0.1 सेंटीमीटर का एरर लेके चलता है ऑब्वियसली. तो उसके हिसाब में हम लोग का मेजर्ड वैल्यू कुछ भी आ जाए, ओके उसमें से इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 है तो लिस्ट काउंट यहाँ पे आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू मिल गई ऑब्वियसली. ये तो सब प्रैक्टिकल्स करोगे तब मिलेगा. अभी सीखना क्या है, सम में कैसे बैठता है, डिफरेंस में कैसे बैठता है, और दोनों का मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है. किस में आता है, पॉजिटिव में आता है. इसके बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन एरर्स, एरर्स में कैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टेक पार्ट करता है. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, सिंपल सी बात है आप लोग को पता है. डिवीजन तो डिवाइड के बारे में बात करते हैं, दोनों एक ही में सीखने वाले हम लोग. ओके ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा बहुत डिफर करेगा आपके टेक्स्ट बुक पार्ट से, बट आंसर एक्चुअल वही आने वाला है. ओके और मेथड भी एकदम एकदम करेक्ट है. क्लियर? तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या पता है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं तो क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली आई विल राइट जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऑब्वियसली बात है जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी. अब मुझे जेड का वैल्यू भी मालूम है, ए का वैल्यू भी मालूम है, बी का वैल्यू भी मालूम है, हम लोगों ने खुद सम और डिफरेंसेस दोनों में पढ़ लिया था. तो सबसे पहले जेड क्या है, यही है ऑब्वियसली. सेकेंडली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए का वैल्यू ब्रैकेट में डाल दो इंटू बी, सॉरी डेल्टा ए ही आएगा प्लस माइनस डेल्टा बी. ये चीज यहां पर क्लियर होती है. आगे ध्यान देना, सबसे पहले जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ये जो फैक्टर है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ यहां पे, ये कैसे सॉल्व करते थे याद है, कुछ इसी वे में सॉल्व करते थे ना, तो इसको भी उसी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके सेम टू सेम फंडामेंटल यूज करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे. ये वाला मेथड आप लोगों ने सिक्स सेवेंथ में सिखा रहेगा. क्लियर? सो क्या आएगा यहाँ पे, ए ब्रैकेट बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए फिर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऑब्वियसली सेम टू सेम चीज है, लिख दिया. आगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, ए डेल्टा बी. क्लियर? प्लस माइनस ए डेल्टा, सॉरी डेल्टा ए इंटू बी इज व्हाट, बी डेल्टा ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं. क्लियर? फिर से प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. ऑब्वियसली यहां तक बात कंप्लीट हो गई है. जेड का वैल्यू मेरे पास है क्या था, ए इंटू बी था, मतलब क्या ए बी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. यहां तक समझा, इतने फैक्टर्स में कोई डाउट? नोप. सेम टू सेम सिंपल सिंपल डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वाले जो हमारे रूल थे, मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूज किया है, और इस वे में यहाँ पे
रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, डिवाइडिंग LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाय AB रूल। AB से यूज कर रहा हूं मैं सब जगह पे, तो ध्यान देना अच्छे से कैसे दिखेगा ये। पहले तो सेम टू सेम इक्वेशन रहेगा, AB प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू AB प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस B डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B। डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, AB यहाँ पे भी क्या आएगा, AB यहाँ पे भी क्या आएगा, AB। क्लियर हुआ यहाँ तक, सब जगह वही पार्ट आ गया। अब ध्यान देना अच्छे से कि मैं क्या करूँगा, जो जो कट रहा है काट दूंगा, कट गया क्या मिला, वन। यहाँ पे देखो A कट जाएगा सिर्फ, क्लियर, डेल्टा B के साथ, तो इधर नीचे डेल्टा तो है नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे B पार्ट कट जाएगा, यू कैन सी, एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर के वैल्यूज डेल्टा में है और नीचे के वैल्यूज AB में है, क्लियर। सो व्हाट आई गेट इस इक्वेशन से, मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z। अब आप लोग सोच रहे होगे मैंने AB के जगह पे Z क्यों लिखा, समझ में आया क्या था, Z इज इक्वल टू AB था, तो AB के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट Z, ओके, यू कैन कंपेयर इट टू योर टेक्स्ट बुक, क्लियर। 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। अब यहां पे ध्यान दो, कैन आई राइट दिस टर्म एज दिस, ऑब्वियसली बात है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं एक बात करूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना बस, एक लॉजिक चीज, अगर समझो देखो डेल्टा A अपॉन A का वैल्यू 0.1 है इन केस, ओके, और डेल्टा B 0. इसका भी क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू 0.01 आ जाएगा कुछ। अब विद इन द कंपेरिजन ऑफ दिस ऑल टर्म्स, इसका वैल्यू 0.01 है तो इसको ले सकते कि नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है, इतना छोटा वैल्यू है तो इसका कुछ यूज यहाँ पे नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसके देखो डेल्टा के वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये छोटे वैल्यूज में आएंगे, ओके, अगर मैं इसको डिवाइडिंग वाले वैल्यूज को यूज करूंगा तो फिर देखो समझो A का वैल्यू 0.1 है और B वाले का वैल्यू 0.1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 है, कितना छोटा वैल्यू बन गया, ओके, तो ये दिस इज हियर, दिस इज निग्लेक्टेड, क्या होता है, निग्लेक्ट किया जाता है, क्या बचा, व्हाट आई गेट। अब जो वैल्यू मुझे मिला यहां पे, तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा डेल्टा A अपॉन A एंड डेल्टा B अपॉन B आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी निग्लेक्टेड, एंड कैन बी निग्लेक्टेड। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या मिला इसका, इसका एक्चुअल जो वैल्यू आपके पास मिला, आ जाओ दिखाता हूं मैं क्या मिला, यू गेट द वैल्यू एज डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B, ओके, प्लस डेल्टा A अपॉन A, ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे मिल गई। प्लस क्यों डाला गया है, बिकॉज ये बताता है आपका मैक्सिमम एरर, प्लस क्यों बताता है, मैक्सिमम एरर जब होगा तो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव, ओके, प्लस माइनस के लिए होता है बट हम लोग मैक्सिमम एरर की बात कर रहे थे, क्लियर। तो एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन समझा, डिवीजन वाला पार्ट किधर से स्टार्ट हुआ है वो भी आप लोगों को समझ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो भी आपको समझ गया होगा, स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कैप्चर ले सकते हो, क्लियर, अच्छे से देख लो, पूरी चीजें सामने सामने रख दिए, ओके।
अब टेक्स्ट बुक से मैच करोगे तो टेक्स्ट बुक ने कुछ चार या पांच स्टेप में कंप्लीट किया है, तो उसने बताया नहीं कि कैसे कंप्लीट हुआ ये, एक्चुअल में आया कैसे। ओके, टेक्स्ट बुक में बस ये आंसर रखा गया रहेगा। ओके, तो ध्यान देना ये कहां से आया है, पूरा का पूरा चीज यहाँ पर ओपन कर दिया है। क्लियर, आगे के इसमें सीखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और एक चीज है और, जहां पर मैं पावर में बात करूंगा, अभी देखो हम लोगों ने क्या सम डिफरेंस किया, प्रोडक्ट डिवीजन किया। अगर समझो ए टू द पावर 3 है, ए टू द पावर n है, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखते आगे। लेट अस स्टडी एरर ड्यू टू पावर। अब पावर की बात कर रहा हूं मैं, देखो अगर z इज इक्वल टू a का क्यूब है तो कैसे लिखेंगे, a इंटू a लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है इसी वे में लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली मल्टीप्लीकेशन टर्म्स भी किसमें यहाँ पे लिखे जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ एडिशन, किसमें, इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ऑब्वियसली दिख रहा है क्या किया, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, सो ऑन कितना भी बैठेगा। अगर z का पावर क्या a रेज टू पावर n है, समझो a रेज टू पावर n ने मैं 3 लिख के चल रहा हूँ, क्लियर, तो कैसा लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन a, समझ में आया कुछ, a का पावर यहाँ पे देखो, इस पर फोकस करो, ये वाला टर्म है, तो कैसे लिखोगे, n डेल्टा a अपॉन a। तो मैंने वही बताया एग्जांपल कि a का पावर अगर 3 है तो फिर कैसे लिखा जाएगा, इसमें में लिखा जाएगा। इन जनरल हाउ वी राइट, इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू a पावर p b पावर q अपॉन c पावर r, एवरीथिंग इज ऑल्सो रिटन इन सेम केस। यहां पर तो अभी बात की थी यार, कैसे बात की थी, a रेज टू पावर n है ना, तो a रेज टू पावर p रहेगा तो क्या होगा, p डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, तो वैसे क्या होगा, क्यू का आर का, यहाँ पे देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने की, लार्ज पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर, जितना ज्यादा पावर हो जाएगा उतना बड़ा एरर आएगा, डेट्स इट। और यहाँ पे आपके एरर के पूरे फंडामेंटल्स आपके टेक्स्ट बुक के क्वेरीज पर खत्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ, देखो अच्छे से ध्यान दो, पावर के लिए देखो सम डिफरेंस हो गया है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन हो गया है, पावर में भी यहाँ पे बात हो गई, क्या जनरल में याद करना है, ये चीज याद कर लो, ये चीज याद कर लो कि किस वे में लिखा जाएगा। क्लियर, ये सब आपको प्रैक्टिकल व्यूज एज वेल हैज आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे इसके रिलेशन में क्वेश्चन बनाए गए हैं, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको उतार लो अपने नोटबुक्स में। क्लियर, अब दूसरी बात ये है कि अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हार्ड नहीं होता, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करने का मतलब क्या, आपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया, आपको जो भी रीडिंग आई, अब उस रीडिंग को रिपोर्ट कैसे करोगे, प्रोफेसर को, प्रैक्टिकल टीचर जो भी रहेगा, लेक्चरर होगा, उसको जाके दिखाना होगा, तो उसको रिपोर्ट कैसे करोगे आप, तो वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखाएगा। ओके, तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाते हैं। सो एज आई सेड सिग्निफिकेंट फिगर सिखाने वाला हूं कि आंसर आ गया, आंसर की रिपोर्टिंग कैसे करोगे, जाके लेक्चरर को दिखाओगे कैसे, प्रैक्टिकल जिसने कंडक्ट कराया था उसको दिखाओगे कैसे। ओके, तो याद रखना, सबसे पहले तो आंसर आएगा, रीडिंग निकाल दिया, पूरा का पूरा रीडिंग आपके हाथ में आ गया, अब उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। इसका एक क्वेश्चन 2002 जेई में भी आया था, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, अभी समझ जाओगे आप। ओके, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5, कोई नॉन जीरो है, सब तो नॉन जीरो ही दिख रहे हैं, जीरो तो एक भी नहीं है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 5। सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी, अगर दिमाग और लॉजिक यूज करोगे तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, दिस पार्ट, क्लियर, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर आर 1 2 3, कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहां पे, कितने हैं, 3 है, क्लियर। सी हियर आल्सो 1 2 3 4, देखो 1500 है, अब मेक श्योर क्या हो सकता है, 1501 भी हो सकता था यहां पे, क्लियर, तो क्या पर दिया कितना है, 1500 है, यू कैन सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नॉन जीरो नंबर्स को मोस्टली लेते हैं हम लोग, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ये डेसिमल पे वर्क किया, हम लोगों ने ये दो और डेसिमल फ्रैक्शंस पे वर्क किया, क्लियर, डेसिमल के ऊपर भी पता चल गया। अब मैं आप लोगों को ये और ये बता देता हूँ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसके पहले कोई पॉइंट था, वेयर देयर एनी पॉइंट, कुछ ऐसा वैल्यू आया है नहीं, अगर रहता तो 6 हो जाता था, पर है क्या, नहीं है, वी ऑलवेज चूज द नॉन जीरो टर्म्स हियर, क्लियर। तो अब ध्यान देना अच्छे से, ये कैसे आया, इफ आई टॉक अबाउट कन्वर्ट 125 किलोमीटर टू मीटर, 125 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जन क्या आएगा, आप लोग बोलोगे सर 1 5 1 2 5 0 0 0, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्वेश्चन में कितने थे, 3, आंसर में भी ऑब्वियसली कितने आने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। इफ द आंसर इज, मैंने जैसे अभी बताया
आंसर 0.125000 रहेगा तो आप इसको पूरा काउंट करोगे, क्लियर। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो ओनली द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, इतने ही होंगे। आप एक 2002 के JEE के क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को मैं, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा रहेगा शायद, अगर प्रिपेरेशन कर रहे होगे तो, क्लियर, बता देता हूँ। चलो जितना भी स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको ले सकते हो। एक क्वेश्चन था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.26, इसका वॉल्यूम ढूंढने बोल दिया था, क्लियर, जो भी दिया था इसका वॉल्यूम ढूंढना था। तो वहां पे इसका जो आंसर था, वॉल्यूम क्या मतलब, सिंपल सी बात करोगे, क्यूब कर दोगे इसका, इसका क्यूब करोगे। इसके ऑप्शंस कुछ दिए थे, ए ऑप्शन था 2.000376, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था 2.00 और डी ऑप्शन था 2.0003। चलो ऐसे मान लो कि चार ऑप्शन दिए थे आप लोगों को वहां पे, इन चार ऑप्शन में से अब एक्चुअल जो इसका आंसर है 1.26 का जो क्यूब आता है वो आता है 2.000376 इसका क्यूब आता है, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों को चूज करना है इसमें से आंसर कौन सा होगा। पहले तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसका रीजन कि इतना इजी क्वेश्चन JEE में बैठेगा ही नहीं। पहले तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन आया कि इतना इजी क्वेश्चन JEE में बैठ ही नहीं सकता। बट कुछ और ऐसे थे जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अब इसका आंसर ये आता था, यू कैन सी इसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यू कैन सी दिस आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने तो अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसने ये आंसर को टिक किया, उसने ये आंसर को टिक किया एंड द आंसर वॉज रॉन्ग, आंसर वॉज रॉन्ग। सिमिलरली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्वेश्चन किया, मैंने क्या बोला 125 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, क्या आया, ये आया, क्लियर। तो आपको यहां पे इसका क्या ढूंढने बोला था, सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने बोला था। तो जब आप बोलते हो सर इसका कन्वर्जन इसमें होने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते, 3 आते, क्योंकि क्वेश्चन में कितने डिजिट थे, 3 थे, यहां पे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, आंसर क्या बैठना चाहिए, सी बैठना चाहिए। तो समझा, JEE कोई भी क्वेश्चन इजी वे में निकाल के देता नहीं है, क्वेश्चन इसी वे के टफ क्वेश्चन आते, लगते इजी है पर होते लॉजिकल होते, अच्छे से दिमाग यूज करोगे तब जाके ऐसे चीजें सॉल्व हो पाएगी। ओके, स्क्रीन पॉज करके फिर से आप लोग क्या करो, इसको उतार लो। दिस इज वॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स, सिंपल सा मतलब यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, यही होता है। हाउ विल यू रिपोर्ट, जाके लेक्चरर को कैसे रिपोर्ट करोगे अपना आंसर, इस वे में इसको रिपोर्ट करेंगे, क्लियर। इसके बारे में JEE क्या और नीट के लिए एक लेक्चर हम लोग खुद एरर के ऊपर प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपके एरर्स के जितने भी डाउट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट किया है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट कर दिया है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।